5 अप्रैल 7:09 बज रहे हैं राइट नाउ और आरव को हमने स्कूल भेज दिया है, आरव स्कूल में है। आ रही निकल जाएगी रामनाल पतली पतली। सिद्धि 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 तुझ चलो सिद्धि चलो सानू दी जगह ते रख के जाओ ना, असि कितना कल्ले रखांगे। निकल रही है देखो तुसी ब्लिंकेट ब्लिंकेट का सामान है। आई राम इतना भर दिया मैनू जाना पैना वहां लिया क्यों ना अपना ओवर रिकॉर्ड बन लेना मैं आहो रख दो रख दो आपके लिए दो डिओड्रेंट मंगवाया। ओ यार क्यों अच्छे पहले ही इतने पैसे के पता मेरे अच्छे लगे थे देखियो बाद में दिखाऊंगी। आपकी हाइट की बराबर है।
थोड़े नीचे हो रखे ना फोम जी। गाइज इन्होंने हम व्लॉग देखने व्लॉग शूट किया था मैंने 2-3 महीने पहले आई थिंक ठंड में, ये इन्होंने सेम फ्रिज चूज की थी बट उधर हमको महंगी मिल रही थी, हमने ऑनलाइन बाय की तो हमको थोड़ी सस्ती मिली, 30-40 thousand हमको सस्ती मिली क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा ना, अभी थोड़ी सी ठंड है, नहीं तो ये भी महंगी मिलती। चलो चलो पापा हाय गाइस करो, हाय गाइस, हाय गाइस च नजर आओगे गाइस। वीडियो कॉल कर रही हूँ, मम्मी पापा को दिखा रही थी फ्रिज सारी दिखाती, मम्मी करो हूँ तुसी, पापा तुसी रेडी हो जाओ, सवेरे काम तो जा रहे पापा शॉप ते, मम्मी हाय गाइस करो, हाय गाइस, अरे ब्लर क्यों रहा है, सही फोकस, हाँ हूँ सही आ रही, हाँ नहीं मेरे पीछे फ्रिज फोकस करा लग गई सी, ठीक है बढ़िया लगी मम्मा, हाँ बहुत है ना, कोरी कोरी बहुत लग रही है, मैं साफ लग रही हूँ, वो वैसी लग रही हूँ, ठीक है मैं कुछ नहीं, नाश्ता नहीं किता बाकी, चलो बाय। यार एक बात बोलनी थी आप लोगों से, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, एकदम थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि मेरा बहुत ड्रीम था कि मैं you know, कुछ ऐसा बड़ा वाला फ्रिज बाय करूं, इट्स अ ड्रीम फ्रिज फॉर मी, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले भी आई थिंक साल पहले बोला था कि मेरे को फ्रिज लूंगी ना अगर इस नए घर के लिए तो मैं बड़ा वाला फ्रिज ही बाय करूंगी, एंड महंगा था यार ये, वैसे तो ये 1.5 लाख का फ्रिज था, 1,57,000 का, बट नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, ये कोई ब्रांड एलजी वेलजी ये किसी की तरह से अमेजोन की तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसको शोरूम से भी देख के आई थी, शोरूम में ये मुझे 1,47,000 का दे रहे थे आफ्टर डिस्काउंट, मैंने व्लॉग भी शूट किया था, मेरे व्लॉग चैनल पे होगा, मैंने क्लिप भी शूट की थी यही वाली फ्रिज की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं पूरा खरीदने के मूड में से नहीं गई थी तो मैंने उसको रफा दफा कर दिया, बट मैंने क्लिप्स ले ली थी, फिर अभी मुझे था कि देखूं जरा क्योंकि आगे गर्मियों में इसका प्राइस बढ़ जाता, मुझे इतना पता था, मैंने अमेजोन पे देखा तो ये 1,10,000 की मुझे मिल रही थी, तो आई वाज लाइक स्टील डील, ले लो बेटा, लेनी तो है अभी, नहीं तो 4 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, नहीं तो, क्योंकि ना आई हैव समथिंग इन माई माइंड ना कि मुझे इस घर के लिए ये 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 चीजें, इट्स लाइक यू नो एक विश लिस्ट मेरी तैयार है, तो मुझे वो चीजें लेनी है, तो मुझे फ्रिज को टिक मारना था कि भाई ओके फाइनली मैंने ले ली फ्रिज, तो सस्ती मिल रही थी, सिर्फ मैंने उसका डिस्काउंटेड प्राइस देके, सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस देके ऑर्डर प्लेस कर दिया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने बोला भाई 1,57,000 की फ्रिज अगर मेरे को 1,10,000 में मिल रहे तो ले लेनी चाहिए, ओके और क्या, हाँ ये ब्लैक मिरर वाली थी, इसमें व्हाइट भी था इसमें सिल्वर भी था, तो मेरी जो फ्रिज मेरी जो किचन है ना वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन में है जैसे आपको दिख रहा अभी बैकग्राउंड में, ठीक है ब्लैक कलर के यहाँ पे इसके ऊपर हैंडल्स लगे, तो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारा फ्रिज किचन में भी है, तो मुझे लगा अगर मैं सिल्वर लेती ना यहाँ पे तो ठीक है रख लेती मैं अच्छी लगती, बट मुझे लगा अगर मैं ब्लैक लूंगी तो इट विल गो अच्छा और अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी तो पूरे सेटिंग कर रहे दो क्लीनलीनेस होने दो सेटिंग कर रहे दो, मैंने पीछे के लिए ना एक अच्छा सा लैम्प भी मंगवाया है अमेजोन से, आई होप वो अच्छा लगे दिखने में सारा, एक बड़ा धीरे अब आप व्लॉग अब मैं जब भी व्लॉग करूंगी ना तो आप लोगों को सब अपडेट्स देती रहूंगी, लिंक्स भी डालती हूँ बाय द वे, इस फ्रिज के भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी, नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड गाइस, खुद बाय की है, आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोग वीडियोस देखते हो व्यूज देते हो हम लोगों को और जिसकी वजह से हम अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा कर पाते, तो दिल से थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, मतलब आप ही लोग हो जो यार हम लोगों को बना रहे हो और कुछ भी नहीं है, प्यार देख के वीडियोस देख के व्यूज देख के लाइक करके आपका एक एक कमेंट मैटर करता है, दिल से थैंक यू सो मच। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि फ्रिज ब्लैक कलर की इसलिए बाय की क्योंकि सिल्वर ग्रे तो यार थी मेरे पास पहले भी थी, मेरा मन था कि कुछ व्हाइट नहीं बाय करना था, व्हाइट यहाँ पे बिल्कुल ऑफ जाता, वो गोल्डन ब्राउन ब्लैक ब्लैक कलर के, एक्चुअली मेरी चिमनी भी लगी हुई है ब्लैक कलर का, हमारा जो सेल्फ के ऊपर पत्थर है ना वो ब्लैक कलर का, वो ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ था जब ये घर खरीदा था ना तभी था, तो हमने इसको तुड़वाया तुड़वाया ना क्योंकि उन्होंने सुंदर अच्छा अच्छी क्वालिटी का पत्थर लगवाया था, तो हम तो फालतू में और खर्चा का है अपने ऊपर डालते, तो फिर हमने उसको ऐसे ही रहने दिया, तो आई थिंक वो चिमनी ब्लैक कलर का वो पत्थर और वो ब्लैक कलर की फ्रिज आई थिंक वो सारा कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को, अभी सारा कुछ और रेडी करने दो। अच्छा मैं बताना भूल गई कि फ्रिज की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है
जैसे कि आप देख सकते हो, तो अभी हम इसको 2-3 घंटे चालू नहीं करना होता, चलाना नहीं होता इसको, वो मना करके गए हैं। प्लस हमको डिलीवरी के साथ ही ना वो अमेजोन से ना इंस्टॉलेशन के लिए आता है, तो अभी वो इंस्टॉल करेंगे इसको, अभी वो मेरे को कॉल करेंगे, आई थिंक शाम तक कर लेंगे या दोपहर तक कर लेंगे। मतलब 2-3 घंटे हमने इसको वो नहीं करना होता। ये आपको भी, अगर आप जब भी कभी भी शिफ्टिंग भी करते हो ना अपने घर की इधर से उधर, ये तो आपको पता ही होगा, फ्रिज जब आपके मूव करते हैं ना उसको 2 घंटे एटलीस्ट हम उसको टच नहीं कर सकते, चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे ना, वो भी थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करूंगी फ्रिज को पूरा स्टार्ट वार्ट करके, तब इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे। मैं भूल गई थी ब्लॉग ऐसे कैसे एंड कर देती, एटलीस्ट एक चीज पूरी तो दिखानी चाहिए थी ना। तो ये हमारी छोटी सी क्यूट सी फ्रिज है, ये अभी है, ये साथ वाले घर में रख देंगे। अभी इसको वैसे मैं बंद कर दूंगी, अगर वो स्टार्ट कर दूं 2-2 फ्रिज का करूंगी कि अभी इसको बंद कर दूंगी। ये बाय द वे भाई ने खरीदी थी, तो उस समय ना मेरा बजट नहीं था कि मैं अपना फ्रिज व्रिज अभी बाय करूं, ना वैसे लेकिन नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि मुझे बाय करनी थी तो बड़ी वाली खरीदनी थी, तो उसने बोला अभी रुक जाओ, अभी मत इतना बड़ा वाला खर्चा करो भाई, इट्स अबव 1 लाख, तो उसको खर्चा करने के लिए एक बार चाहिए होता ना थोड़ा सा दिल, तो इसलिए उसने अभी मना कर दिया था। तो ये भाई के पास थी, तो भाई ने बोला अभी तुम ये ले लो, बाद में देखेंगे। चलो बहुत भूख लग रही है मेरे को, मैंने बहुत बातें कर ली, अब नहीं बात करनी है मेरे को, खाना खाना है। चलो उसके बाद फिर देखती हूँ क्या एडिटिंग करनी है, क्या शूटिंग करनी है। ब्रेड होगी गरम, साथ में मैंने भाजी गरम कर ली, अभी चाय है, साथ में मैं अभी इसके अंदर अदरक डालूंगी, हाँ सारा कर लूँ ना, उसके बाद इसको क्लीन करूंगी। बाय द वे ये भी ब्लैक कलर का, मैं भूल गई थी, हमारा गैस ये भी ब्लैक कलर का, ये भी ब्लैक में है, और ये चिमनी भी ब्लैक कलर की, तो बस यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्लेस पे हमारी फ्रिज आ जाएगी। अभी तो चलो वहाँ पे पड़ी हुई है, तो या अभी ब्लिंकिट का पैकेट खोल लेनी है, बाद में खोलती हूँ, भूख लग रही है पहले। मैं इसकी बात करी थी, ये ब्लू कलर वाले की, और ये बहुत छोटू सा है ये, तो यार वैसे मैंने ना बहुत टाइम पहले वैसे ही खरीद के रख लिया, पता नहीं क्यों खरीदा, मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो लेकिन मैंने बड़ा वाला है मेरे पास, तो वो यहाँ पे रखूंगी, तो इट विल लुक प्रिटी, दिखाऊंगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में। मीनवाइल घर में ये काम चल रहा, देखो ये सारे ना टीवी के ही है ना, हाँ ये पता नहीं किसके किसके डब्बे मैंने सब रखे हुए थे पीछे, ये सभी सब ना ऐसे ही मैंने बोला इनको निकालो, आंटी बोला मैं बेच लूँगी, मैंने बोला भैया आप बेच लो, आपको जो करना करो बस निकालो यहाँ से, सफाई करो। ये ना पूरा मेरा डक्ट देख रहे हो, हमको ना एक शू रैक बनवाना पड़ेगा, ये पूरा मेरा डक्ट था, ये डक्ट का एरिया पूरा मैस भरा पड़ता डब्बे 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 रख के, मुझे बोले इसको एकदम आज नीट एंड क्लीन करके जाओ, एकदम नीट एंड क्लीन, मुझे इस तरह कुछ नहीं गंद चाहिए, सारे डब्बे उन्होंने बोले मैं बेच लूँ, मैंने बोले जो करो सफाई करो बस। मैं आ गई फाइनली बेड पे, आंटी लगी हुई और बहुत भूख लग रही है भाई,
हाँ जी अगर सब्जी ठंडा करना चाहते है थोड़ा टाइम दे भी रख सकते एक एक्स्ट्रा ट्रे है जी आइस दे ली आइस क्यूब बना दे ली एतो बाहर आ जाएगा पानी भरोगे अंदर नीचे लगा दोगे जी आइस जो बन जाएगी ये वाला साइड में रोटेट करना है जो आइस क्यूब है इस बॉक्स के बीच आ जाएंगे ठीक है जी ये वाला साइड अपना फ्रिज हैगा जो भी घर का सामान आटा दाल सब्जी दूध वगैरह जो भी है ये वाला साइड पे है ठीक है जी नीचे सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह आ जाएंगे जी ये वाला साइड पे कोल्ड ड्रिंक पानी की बॉटल्स जो भी घर का पार्ट है ये नंबर वाले थोड़ा ध्यान देना समझ रहा है तुसी किस जगह पे आ जाओगे तो तुम आसानी ना दिखे अब साउंड क्यों कर दिए जब तो ज्यादा टाइम डोर खोल रहा है जब अपने को प्रॉपर डोर नहीं लगेगा तो इस तरह की साउंड हर बार ही रहेगा ठीक है कई बार बच्चा तुसी अंदर बैठे बच्चा बोल के खड़ गया तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रिज को क्या रखते हैं सब तो पहले फ्रिज का टेम्परेचर है क्या जी गर्मिया विच तीन और माइनस 18 ते ठीक है और इस मौसम ये वाला जो मौसम है ना ਇਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 23 ਦੇ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰਟਣਾ ਨਾ ਫਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ यार मैं भी दिख रही हूँ फ्रिज में कटाना था बहुत पीछे है कुछ दिन कोहाना
गाइज अब ना शाम हो गई है, सारी क्लीनलीनेस मैंने आंटी से करवा ली, ये जगह बिल्कुल क्लीन कर ली और यहाँ पे हमने अभी ये वाली फ्रिज कर लिया, अभी इसको अच्छी तरह से खाली करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर कार्टन में पैक करेंगे, इसको कल से स्टार्ट करती हूँ मैं, थोड़ी सी सेटिंग मीटिंग करनी पड़ेगी एंड या ये है सारा सेटअप। आंटी अभी सारे बर्तन धो के गई हैं, बस मैंने ना अभी एक ही लाइट ऑन की हुई है येल्लो वाली और ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। ये मैंने लैम्प मंगवाया इसी कॉर्नर के लिए ही मंगवाया था, सोच के ही मंगवाया था, मेरा मन था। दिखाते हो दूर से दिखाती हूँ, ठीक है जी। चलो सही लग रहा है वहां पे लैंप, मैंने देखा था कई लोगों को ना ऐसे किचन में लैंप रखते हुए, तो मेरा मन था ऐसे कॉर्नर में ना इसको बड़ा एक अच्छा सा ये ना ऐसे रील वील बनाने के लिए कुछ अच्छा लगेगा वैसे, तो मैंने मंगवा लिया, अमेज़न से मंगवाया बाय द वे।